स्लो फेंक दिया था, छोड़ दिया था और तेजी के साथ विकेट कीपर के ग्लोव्स में एक बार फिर आ गया के और स्टेप आउट करके खेलना चाहते थे लेकिन स्टेपिंग आउट हुए। महेश के कितने रन हुए भाई, अच्छी बैटिंग करते हुए अपनी टीम के लिए। एक टाइम था जो गुरु कृपा इलेवन लड़खड़ा चुकी थी और साथ दिया था नरेश ने, महेश ने 50 रन बनाए अपने टीम के लिए, 50 रन का योगदान दिया। अब जा रहे फांकड़े बल्लेबाज गुलाबजी ठाकुर, अगर ये तीन ओवर खेल गए तो शायद मेरे ख्याल से 160 के करीब करीब स्कोर पहुंच जाएगा। पर गोविंद जी ठाकुर खेल रहे हैं, अश्विन सामना करेंगे गुलाब जी ठाकुर लंबे रन के साथ। दौड़ना शुरू किया, एम्पायर क्रॉस, गेंद हाथ से शूट, धीमी गति की गेंद थी, अच्छी वेरिएशन के साथ गेंद को फेंका था, पैर पर लग कर गई। गौतम महाराज वहां मौजूद थे, एक बार फिर तैयार और ये खेल दिया है, वहां खिलाड़ी मौजूद है और ये कैच आउट। बोलो मास्टर बोलो, स्कोर जो है 113 रन, नौवीं ओवर का खेल शेष प्रगति पर, दसवीं ओवर का इसी के साथ ओवर की समाप्ति। एक सौ तेरह रन। मौलिक अच्छी गेंद वहां मौजूद, एक रन के साथ संतुष्टि माननी पड़ेगी। स्कोर बढ़ता हुआ 114 रन। अब आए हैं नरेश, अच्छी गेंद, लो कॉल के अंदर गेंद थी, उसे खेलना चाहते थे लेकिन वहां पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी मौजूद थे, रन की कोई गुंजाइश नहीं। अभी भी 113 रन और ये खेल दिया है बॉलर के सर के ऊपर से 4 रन। स्कोर उछलता कूदता हुआ पहुंच गया है 117 रन। एक बार फिर सॉरी वो
और अच्छी गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का सही संगम नहीं हुआ, सीधी विकेट कीपर के पास से सीधे फील्डर के पास। ये एक सौ अठारह पर अभी भी स्कोर रुका हुआ। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन गेंद थी, समझ नहीं पाए नरेश, रचनात्मक ढंग से खेलना चाहते थे। आखिरी ओवर चल रही है, इसके बाद एक ओवर बाकी है, ग्यारहवीं ओवर का खेल शेष प्रगति पर, और इसे लपेट कर खेलना चाहते थे और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 11 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 118 रन। शायद मेरे ख्याल से अश्विन आए, देखते हैं। आखिरी ओवर बाकी है, छह गेंदों के अंदर कितने रन बटोरते हैं गुलाब और नरेश, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चलना शुरू किया, गेंद आचे शूट, पटकी हुई गेंद, खेल दिया है, वहां खिलाड़ी मौजूद, एक रन की गुंजाइश और ये दूसरे रन के लिए निकल चुके हैं। दो रन का इजाफा हुआ, 120 स्कोर हुआ है। गुलाब जी सामना करेंगे अश्विन राणा की गेंद का, धीमी गति की गेंद थी, समझ नहीं पाए, अच्छे स्पेस के साथ, वेरिएशन के साथ बॉलिंग करते हुए अश्विन राणा। बारहवीं ओवर का खेल शेष प्रगति पर, नेक्स्ट स्टंप पर बढ़ के अंपायर का इशारा वाइड, अच्छी वेरिएशन के साथ बॉलिंग करते हुए अश्विन राणा, कभी तेज और कभी लो फेंकते और कभी एकदम फ्लाइटेड डाल देते, बैट्समैन को खेलने पर मजबूर कर देते। और स्टंप के ऊपर तेजी के साथ गेंद निकली, अंपायर का इशारा वाइड, स्कोर बढ़ता हुआ 122 रन। एक बार फिर तैयार, धीमी गति की गेंद थी, समझ नहीं पाए, अच्छी वेरिएशन के साथ बॉलिंग करते हुए गुलाब जी को आज चकमा दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिरी ओवर चल रही है, ताबड़तोड़ बल्लेबाज है ये भी, आंद्रे रसेल की तरह खेलते हैं जब खेलने पर आते हैं तो। पटकी हुई गेंद, वन बाउंस, पंचिंग सिक्सर, ये जो मैं बोल रहा था, इंतजार कर रहा था और उनको गलत लगा और छह रन लगा दिए, 128 रन। अश्विन राणा की गेंद और गेंद गई है हवा में, वहां महेश चौधरी मौजूद है और एक कैच आउट, लेकिन इसी के साथ अभी भी एक गेंद शायद शेष बाकी है 128। अश्विन राणा की गेंद का सामना करेंगे नरेश और इसे खेल दिया है छह रनों के लिए और स्कोर पहुंचा 134। अच्छा स्कोर, एक वक्त था कि चार अच्छी अच्छी विकेट डगआउट के अंदर आउट होकर पेवेलियन के अंदर आ चुके थे और महेश ने अच्छा साथ दिया गोविंद जी का और 50 और 28 रन दोनों ने बनाए और 75 रन की पार्टनरशिप हुई और इसका
चलता हुआ स्कोर बन दिया 134 रन, जीतने के लिए 135 रन की आवश्यकता। गुरु कृपा इलेवन टीम ना जितना पण खिलाड़ी से ये बापू आयला से थे हमने लाइन ना अंदर बता आई जो हमने कई कहूं छे तो भाई गुरु कृपा इलेवन टीम ना जितना भी खिलाड़ी से ये हमारी कमेंट्री बॉक्स ना अंदर आई अने बापू कोई कहवा मांगी सी तो जो कि बापू मेंटर का काम करते हुए जो महेंद्र सिंह धोनी है या और सही और गुरु कृपा इलेवन टीम को मुअद्दबाना कैप्टन से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी मैदान के अंदर जाए, पानी भी लाओ लाओ बन जागीदार हवा और आ गया पसीना चीनी लंबा नुच बसका नाड नाड Thank you.
गुरु कृपा 11 टीम के कैप्टन को मुअत्तबाना गुजारिश है कि जल्द से जल्द अपनी टीम को सजाएं। और जो हमारे दर्शक मित्र जो मैच को देखने के लिए आए हैं वो भी ट्रॉफी का इंतजार करते हुए कि किसके पाले के अंदर जाएगी, अपनी दिली दुआओं से बैठी हुई है प्रेक्षक लोग। और राजवी 11 के कैप्टन को मुअत्तबाना गुजारिश है कि जल्द जल्द अपने दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर जाए। और शायद मेरे ख्याल से खुद गब्बर विजुबा और गौतम महाराज अपने टीम का आगाज करने के लिए मैदान के अंदर छोटे कदम चलते हुए। जे भाई अंदर जे प्रेक्षक गण गया गया से ये पोतानु स्थान ग्रहण करो बाहर निकली लें प्लीज यार। आटली बार सुधी हमने तमिल लोगों ये हमने आपलो साथ आप बेचे तो अबे थोड़ो साथ आप ही दो क्योंकि आप लोग आप प्रोग्राम पति जाए प्लीज। लेक साइड का एम्पायर और शैलेश जी ठाकुर और मैच का आगाज करने को जा रहे स्टार्ट मैच। अच्छी गेंद वेरिएशन के साथ गौतम महाराज को इस गेंद के ऊपर समझ ही नहीं आई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। और हमारे बापू से एक स्पॉन्सर उन्होंने एक आजीजना मुअत्तबाना गुजारिश की है कि अगर चिकना की टीम जीतती है तो उनको नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है अहमदाबाद का उनको देखने के लिए ले जाएंगे, दिखाने के लिए ले जाएंगे जो अहमदाबाद के अंदर जो स्टेडियम है उनको, और वहां एंजॉय करने के लिए हमारे बापू सारे खिलाड़ियों को ले जाएंगे। 6 रन से आगाज हुआ गौतम महाराज। ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद वाइड
स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन बिना विकेट के नुकसान पर। अच्छी वेरिएशन के साथ, अच्छे लय के साथ बॉलिंग करते हुए खुद गब्बर। लेग स्टंप के ऊपर गेंद और गेंद गई 6 रनों के लिए। गौतम महाराज के बल्ले से निकलता हुआ यह डाबर लाल गंजन छक्का और स्कोर उछलता कूदता हुआ पहुंच गया है 13 रन बिना विकेट के नुकसान पर। और आज मैं बताता चलूं कि बापू ने एक अनाउंस किया है कि अगर चिकना गुरु कृपा 11 टीम जीतती है तो उनको जरूर श्री नरेंद्र मोदी साहब का जो स्टेडियम है उनको देखने के लिए ले जाएंगे सारे खिलाड़ी 11 को। एक बार फिर तैयार लाल भाई की गेंद का सामना करेंगे महाराज। लेग स्टंप के ऊपर गेंद पटकी और खेल दिया खड़े खड़े 6 रनों के लिए। ये गेंद 6 रन लेती हुई सीमा रेखा के बाहर। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन बिना विकेट के नुकसान पे। पहली ओवर के अंदर महंगे साबित होते हुए लाल भाई, जो कि वेरिएशन के साथ गेंद फेंकते हैं लेकिन स्लो धीमी गति के साथ गेंद आती है और उसको खेलने पर मजबूर हो जाते हैं गौतम महाराज। और ये अच्छी गेंद, वहां खिलाड़ी मौजूद है और ये कैच ड्रॉप। ये कैच छोड़ो जैसे कि मैच छोड़ो, अगर महाराज का कैच लपका जाता तो शायद डगआउट के अंदर एक शांत निराशा छा जाती। स्कोर पहुंचा 20 रन बिना विकेट के नुकसान पे। एक बार फिर तैयार गब्बर टू गब्बर, अच्छी गेंद, रचनात्मक ढंग से खेलने गए थे रिवर्स सीबीसी के साथ। ओवर की समाप्ति, पहली ओवर के अंदर 20 रन बना दिए। अब उनको अच्छी रणनीति के साथ बॉलिंग करनी पड़ेगी। ये ताबड़तोड़ दोनों बल्लेबाज अच्छे हैं और राजवी 11 टीम के सभी खिलाड़ी अच्छे हैं। जो नाइट जो अपने जिग्नेश प्रजापति आए हैं लंबे रनअप के साथ, ये भी अच्छी बॉलिंग कर लेते अपने टीम के लिए लंबे रनअप के साथ। फास्टर गेंद हाथ से शूट और लेग स्टंप पर जरूर थी लेकिन वहां देवांग खत्री अच्छी फील्डिंग करते हुए रन की कोई गुंजाइश नहीं। धीमी गति की गेंद डाली थी, ललचाया था गौतम महाराज को। एक बार फिर तैयार जिग्नेश प्रजापति सामना करेंगे गौतम महाराज। वेरिएशन के साथ अच्छी बॉलिंग करते हुए रोल नहीं दिया, ये शॉट के ऊपर खेलने पर मजबूर कर दिया और उनके पैर पर लगकर वही गेंद पड़ी गई और आके विकेट कीपर ने गेंद को खुद उठाया। अच्छी सूझबूझ के साथ बॉलिंग करते हुए प्रजापति, जिग्नेश प्रजापति चलना शुरू किया। अच्छी गेंद वेरिएशन के साथ और रन की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छी लय के साथ बॉलिंग करते हुए जिग्नेश प्रजापति। मैच है, कुछ कहा नहीं जा सकता, जो टीम मेहनत करेगी वो टीम बाजी मारेगी। जिग्नेश प्रजापति चलना शुरू किया, धीमी गति की गेंद, फुल टॉस और ये पाले के अंदर गेंद थी, ये गेंद गलत, 6 रन ये स्कोर पहुंचा 26 रन बिना विकेट के नुकसान पे। जैसे ही ये गेंद धीमी गति मिली मैं गौतम महाराज को, फुल टॉस गेंद थी, उसे खाली दिशा दे दी 6 रनों के लिए। लंबे रनअप के साथ बॉलिंग करते हुए जिग्नेश प्रजापति एक बार तैयार, पटकी हुई गेंद और हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से निकलती हुई 6 रन ये स्कोर पहुंचा 30 रन 32 रन 32
दूसरी ओवर का खेल शेष प्रगति पर। अगर मैच को जीतना है तो गौतम महाराज को बांध कर रखना होगा। अगर गौतम महाराज के बल्ले से आग निकलती है जब वो खेलने पर आते हैं तो ये फिर से कड़क शॉट। और ये चार रन, इसी के साथ ओवर की समाप्ति। स्कोर पहुंचा 36 रन, दो ओवर के अंदर 36 रन। गौतम महाराज, एक वक्त 1996 का वक्त था जब सनत जयसूर्या और कालू मिथन ने ओपनिंग के अंदर आते थे। तो सनत जयसूर्या जब 50 रन पर खेलते थे तो सनत जयसूर्या कालू मिथन 5 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक पर खेलते हुए नजर आते थे। इसी तरह गौतम महाराज खेलते हुए, जो कि बॉलर के ऊपर हावी हो जाते हैं। और एक वक्त था कि ऑस्ट्रेलियन टीम के अंदर जब रिकी पॉन्टिंग थे उस वक्त उन्होंने एक ऐसा रिथम बनाया था, तो आते ही शुरू बाजी कर लेते थे गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन। फिर से आए हैं बॉलिंग का भार संभालने के लिए खुद गब्बर लाल भाई। सामना करेंगे विजुबा कैप्टन टू कैप्टन। चलना शुरू किया गेंद, हाथ से शूट, अच्छी गेंद, रचनात्मक ढंग से खेला, वहाँ अच्छी फील्डिंग करते हुए जिग्नेश प्रजापति। एक बार फिर तैयार, रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे। अच्छी गेंद, अच्छी लय के साथ, अच्छी वेरिएशन के साथ बॉलिंग करते हुए खुद गब्बर। पहली ओवर के अंदर जरूर महंगे साबित हुए थे, लेकिन इस ओवर के अंदर कमबैक करते हुए। तीसरी ओवर का खेल शेष प्रगति पर। अच्छी गेंद स्लॉट के अंदर डाली थी, खेलने पर मजबूर कर दिया था और एक रन का इजाफा हुआ। स्कोर पहुंचा 37 रन। एक बार फिर तैयार, लाल भाई की गेंद का सामना करेंगे गौतम महाराज। और ये फिर से पटकी हुई गेंद के ऊपर खेल दिया है 6 रनों के लिए। गेंद दूर गई है, स्कोर पहुंचा 43। गौतम महाराज के बारे में बताता चलूं कि इस मैदान के ऊपर उन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल के अंदर वो जरूर खेले। और एक बार फिर लाल भाई तैयार, और वास्तव के ऊपर पटकी हुई गेंद को हल्के से धकेल दिया, गेंद गई 6 रनों के लिए। तीसरी ओवर का खेल शेष प्रगति पर। लाल भाई फुल टॉस गेंद, वहां खिलाड़ी मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 49 रन। Okay.
अगर गुरु कृपा इलेवन टीम मैच को जीतती है तो उनको जो श्री नरेंद्र मोदी साहब का जो स्टेडियम है वो उनको देखने को मिलेगा। अच्छी गेंद और वाइड गेंद, स्कोर 50 रन पूरे हुए राज्य इलेवन टीम के, 50 रन पूरे। निर्मल जी बापू ले जाएंगे, एक बार जिग्नेश प्रजापति दौड़ना शुरू किया गया हाथ से दूर और इसे रूम बनाकर खेलना चाहते थे लेकिन वहां खिलाड़ी मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। जिग्नेश प्रजापति लंबे रन के साथ दौड़ना शुरू किया गेंद हाथ से, ये शूट धीमी गति की गेंद, वहां खिलाड़ी मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छी दो बिंदी गेंदे जिग्नेश प्रजापति के बल गेंद के जरिए, और कुछ मशवरा सलाह सूचन दोनों खिलाड़ियों के बीच में। अच्छी वेरिएशन के साथ और थ्रो फेंका था लेकिन खिलाड़ी सही सलामत क्रीज के ऊपर आ चुके थे। एक रन का इजाफा हुआ, स्कोर पहुंचा 51 रन। अब जो नॉन स्ट्राइक पर खड़े थे गौतम महाराज वो स्ट्राइक लेते हुए, लंबे रन के साथ जिग्नेश प्रजापति पटकी हुई गेंद और निकल गई और वाइड, 5 रन अतिरिक्त रन लिखे जाएंगे, 5 रन स्कोर पहुंचा 56 रन 56 रन। गौतम महाराज का साथ देती हुई गेंद, एक बार फिर तैयार जिग्नेश प्रजापति, अच्छी गेंद, वन बाउंस 4 रन। वहां खिलाड़ी जरूर खड़ा था लेकिन थोड़ा दूर था, स्कोर पहुंचा 60 रन। चौथी ओवर का खेल शेष प्रगति पर, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए गौतम महाराज, फुल टॉस गेंद वहां खेल दिया है, हाथ पर जरूर लगी थी, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, 6 रन स्कोर पहुंचा 66 रन। ह्यूज एंड हैंडसम सिक्स गौतम महाराज के बल्ले से, लंबे रन के साथ जिग्नेश प्रजापति दौड़ना शुरू किया, एम्पायर क्रॉस गेंद हाथ से शूट, धीमी गति की गेंद, वेरिएशन के साथ गेंदबाजी की और उसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 66 रन। दड़वालो भाई दड़वालो, नवालो नवो नवन जुनो आपो भाई, गुरु कृपा इलेवन टीम को अगर कम बैक करना है तो अच्छी सूझबूझ के साथ बॉलिंग करनी पड़ेगी।
बंदर का पहाड़ा लेती हुई राजमी इलेवन टीम। दड़ो दड़ो भाई जूना दड़ा बीजा मोकलो अच्छी सूझबूझ के साथ मशवरा करते हुए किशन प्रजापति को गेंद को उनके हाथ के अंदर थमाया है। देखते हैं कितनी अपने टीम के ऊपर अपने कैप्टन के ऊपर खड़े उतरते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप कम से कम जो प्रेक्षक गण मैच को देखने के लिए आए हैं 2000 से ज्यादा और जो टीले पर बैठे हुए हैं विदाउट टिकट के लेकर बैठे हुए हैं, जिन्होंने टिकट ही नहीं ली और उनको पहले से एक महीने से पहले बुक करा दी थी। एक बार फिर किशन प्रजापति अच्छी गेंद और बिजुबा का विकेट का पतन हुआ और किशन के अब कैप्टन के नाम के ऊपर खड़े उतरते हुए किशन प्रजापति और ये नो बॉल। एम्पायर डिसीजन इज द लास्ट डिसीजन। और विजुबा का साथ देती हुई किस्मत किशन प्रजापति, देखते बाय लक किसका साथ देती है। एक बार ये फ्री हिट और ये एम्पायर का इशारा वाइड, अभी भी फ्री हिट जारी। स्कोर 67 और ये खेल दिया है 6 रनों के लिए। ये फ्री हिट थी, ये स्कोर पहुंचा 74 रन। इसे कहते हैं किस्मत। ये फाइनल मुकाबला गुरु कृपा और राजवी 11 टीम के हाई वोल्टेज मुकाबला, इट इज ए रियल प्रेशर फाइनल। और ये फिर से पटके लेग 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 साइड के ऊपर, एम्पायर का इशारा वाइड, ये स्कोर पहुंचा 75। बोलो ना सुन, खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का सही संगम नहीं हुआ। एक बार फिर जिगर प्रजापति और ये खेल दिया है, वहां खिलाड़ी मौजूद है, कैच हो सकता है नहीं, और ये कैच मिस्टेक एंड ड्रॉप, और दो मर्तबा साथ देती हुई किस्मत राजवी राजूपा को। और ये अगर मैच का नियम है, अगर जिसने भी कैच छोड़ा
समझो कि इसने मैच छोड़ा। तीन मर्तबा चांस बाय लक। नेक्स्ट स्टंप पर पटाक से आवाज आई, गेंद दूर गई डगआउट के ऊपर 6 रनों के लिए। ये गौतम महाराज के बल्ले से ये फोकड़ा 6 और 82 रन हो गए हैं राजवी 11 टीम के। गौतम महाराज राजवी 11 टीम की तरफ से अच्छा खेलते हुए जिन्होंने फाइनल के अंदर 82 रन बनाए थे और लेग स्टंप पर पटके थे फिर और स्कोर पहुंचा 83 रन। पर खेल रहे 63 पर अच्छी ब्लॉक ऑल गेंद और शायद मेरे ख्याल से उनके पैर के अंगूठे पर लगी है, बल्ला लगा है। किशन ने अच्छा काम किया था, इसके बाद 6 2 छक्के आए हो। एक बार फिर किशन प्रजापति अच्छी गेंद, उसको मरोड़ कर खेलना चाहते थे कलाइयों के सहारे, लेकिन गेंद वही रही। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 83 रन। और कुछ गौतम महाराज को डॉक्टर की जरूरत है, फिटनेस चेक करते हुए विजुबा खुद जो कि फिजियोथेरापिस्ट है अपने टीम के, उनकी राजवी 11 टीम उनको पगार देती है 70,000 रुपया। फिजियोथेरापिस्ट के अलग है और कैप्टन के भी अलग है, और सलाह सूचन मशवरा करते हुए गुरु कृपा 11 टीम को के आगे किस तरह पारी को चलाया जाए और किस तरह बॉलिंग की जाए। आज अच्छे लय के साथ राजवी 11 टीम ने अच्छी वेरिएशन के साथ बॉलिंग की और उनको 134 के ऊपर महदूद कर दिया और खेल की पारी समाप्त की। फिर से गुलाब जी की बॉलिंग को बाहर संभाला गया है और कैप्टन ने आशा जताई है इसके ऊपर खड़े उतरते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। गुलाब जी और एक बार छोटे रनअप के साथ और अच्छी तेजी के साथ गेंद को फेंका था और विजुबा को गेंद को समझ नहीं आई, सीधे विकेट कीपर के पास से सीधे फील्डर के पास। गुलाब जी एक बार तैयार और ये फिर से खेल दिया है और ये मिस्टेक एंड ड्रॉप किशन प्रजापति के लिए और इसी के साथ 1 बाउंस 4 रन। अगर ये जरा थोड़ा एफर्ट दिखाते तो जरूर किया जा सकता था 87 रन 87 रन। एक बार फिर विजुबा खेलेंगे इस गेंद के ऊपर और इसे खेल दिया है दोनों खिलाड़ियों के बीच में अच्छी फील्डिंग करते हुए और मिस फील्डिंग 4 रन। और किशन प्रजापति ने ये 2 गेंदें जो गई इसके अंदर मिस फील्डिंग जरूर की 91 रन। एक बार फिर अच्छी गेंद और ये भी गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। ये कड़क शॉट, मजबूत ताबड़तोड़ शॉट, ये 4 रन। स्कोर पहुंचा 95 रन।
एक बार फिर विजुबा आगे आके स्टेप आउट किया और ये कैच को लपक लिया और विजुबा आउट होकर मैदान से बाहर जाते हुए अच्छी स्पेस गेंदबाजी करते हुए। गुलाब जी उन्होंने जरूर अच्छी बॉलिंग की थी लेकिन फील्डर ने सपोर्ट नहीं दिया था और महेश ने फर्स्ट स्लिप के अंदर अच्छा कैच लिया और उनका स्थान लेने के लिए जा रहे हैं वो राजू वॉटसन। ये भी ताबड़तोड़ और कड़क बल्लेबाज है जैसे वेस्ट इंडीज के आंड्रे रसेल बैटिंग करते हैं इसी तरह करते हैं। रसल्स मसल्स पावर वाजी वाजी वगाड़ो वगाड़ो एक बार फिर तैयार फुल टॉस गेंद खेल दिया है वन बाउंस चार रन और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। स्कोर उछलता कूदता हुआ पहुंच गया है नर्वस पॉइंट। छह ओवर पूरी हुई है मैच है कुछ कहा नहीं जा सकता कभी भी बाजी पलट सकती है। मैंने ऐसी बहुत सारी पारियां ऐसी देखी है कि जो मैच हाथों में होती है और ऐसे खिलाड़ी उभर कर आते हैं तो मैच हाथों से भी ले जाते हैं। ले पौड़ी भैया पानी पौनी जो भाई ये पानी 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 ये सानी 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 भाई पौनी लेन जो भाई जल्दी मैदान के अंदर ड्रिंक्स जाता हुआ Thank you.
એટલે આટલી વાર પટી એ જુએ કે કોઈ કોને પીવું નહીં કરી કોઈ ખબર નહીં હવે ચાલે પોતે કોઈ કોને પીવું નહીં પટી ગયા એટલે જીતા मैदान में थोड़ी क्षणों के अंदर मैच का आगाज होने को जा रहा है। सलामी बल्लेबाज गौतम महाराज मैदान के ऊपर मौजूद है और नॉन स्ट्राइक पर है राजू वॉटसन जो राजकीय 11 टीम के होनहार दोनों बल्लेबाज। अभी भी इसके बाद डगआउट के अंदर अच्छे अच्छे बैट्समैन मौजूद है और फिर से शायद बॉलिंग का वार संभालने के लिए आ रहे हैं गब्बर और मैदान से बाहर आता हुआ मधु ड्रिंक्स। महाराज सामना करेंगे लाल बेल की गेंद का। ये फंटास्टिक बैटिंग गौतम महाराज। ये खड़क फुल टॉस गेंद वन पाउंड चार रन। जैसे ही गेंद पाली के अंदर मिली रडार के अंदर गेंद को देखा खेल दिया खड़े खड़े गौतम महाराज ने चार रन 103 रन। और गौतम महाराज के बल्ले से जब खेलने पर आते हैं तो आग निकलती है। एक बार फिर अच्छी गेंद वो स्टंप के ऊपर भटके थे अंपायर का इशारा वाइड अतिरिक्त रन के साथ स्कोर पहुंचा 104 रन एक विकेट के नुकसान पे। एक बार फिर लाल भाई पटकी हुई गेंद और अच्छी गेंद वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करते हुए खुद गप्पर। लाल भाई की गेंद का सामना करेंगे दौड़ना शुरू किया एम्पायर क्रॉस गेंद हाथ से शूट धीमी गति की गेंद और ये वन बाउंस पैरों के अंदर टप्पी पहले से पड़ गई थी। और वहां खिलाड़ी मौजूद है गेंद निकल गई बंदूक की गोली की तरह चार रन स्कोर पहुंचा। आठ रन
एक बार फिर तैयार गौतम महाराज, और लेग स्टंप पर गेंद डाली थी, बैठ कर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का सही संगम नहीं हुआ, स्कोर पहुंचा 109 रन। एक बार फिर राजू वॉटसन, तो बहुत देर के बाद नॉन स्ट्राइक पर खड़े थे, सामना करेंगे लालदेव की गेंद का, और उसे उठाकर खेल दिया है, दोनों खिलाड़ियों के बीच में से चार रन, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति 113 रन। ओवरों की गिनती 7 ओवर धीर से आए हैं, शायद मेरे ख्याल से बॉलिंग मार्क पर रणमल, उन्होंने देखते हैं कि ये भी अच्छे बॉलर है, देखते हैं कैप्टन ने विश्वास जताया है कि किस तरह खड़े उतरते हैं। रणमल की गेंद का सामना करेंगे गौतम महाराज, अच्छी गेंद और अच्छी फील्डिंग अपने टीम के लिए, चार रन जरूर बचाए, इसी के साथ वाइड 114 रन। चले एक बार फुल टॉस गेंद खेल दिया है, वहां खिलाड़ी मौजूद, एक रन की गुंजाइश, स्कोर पहुंचा 115 रन, एक विकेट के नुकसान थे। और ये एक तरफा मैच होता हुआ जो इनके अंदर शेष जाता है गौतम महाराज का, और ये लेग स्टंप पर पटके थे, अंपायर का इशारा वाइड, ये स्कोर पहुंचा 116 रन। और गुरु कृपा 11 टीम को मैं दाद देता हूँ, इतने जितने भी खिलाड़ी हैं, छोटी उम्र के हैं लेकिन फाइनल खेल रहे हैं। पटकी हुई गेंद वहां खेल दिया है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, ये हाई एंड हैंडसम सिक्सर वो राजू वर्सन के बल्ले से 122 रन। एक बार फिर रणमल की गेंद का सामना करेंगे राजू वॉटसन, तेजी के साथ खेल दिया है, वहां खिलाड़ी मौजूद, एक रन की गुंजाइश और अच्छी अंपायरिंग। स्कोर 123 रन। ग्यारह रनों की आवश्यकता, मौसम के ऊपर तेजी के साथ गेंद सीधे विकेट कीपर ने कलेक्ट किया, विकेट कीपर के पास से सीधे फील्डर के पास, अभी भी खेल अटका हुआ 130 पर, एक विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, अच्छी गेंद, गेंद और बल्ले का सही संगम नहीं हुआ, विकेट कीपर ने कलेक्ट किया, विकेट कीपर के पास से सीधे फील्डर के पास, अच्छी सूझबूझ के साथ बैटिंग करते हुए गौतम महाराज, और फिर से अच्छी गेंद, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। गुरु कृपा 11 की टीम से रणमल ने अच्छी बॉलिंग की है, लाल भाई आए
आए हैं बॉलिंग का भार संभालने के लिए अपने कोटे की चौथी ओवर लेकर। और कुछ गुलाब जी और लाल भाई के बीच में कुछ सलाह सूचन मशवरा होता हुआ नौवीं ओवर का खेल शेष। मैंने बताया था 170 रन के 160 रन होते तो जरूर फाइटिंग स्कोर होता। अच्छी गेंद वॉर्म स्टंप के ऊपर पटकी हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, बाकी का काम विकेट कीपर के पास से सीधे फील्डर के पास। अभी भी खेल अटका हुआ। राजू वॉटसन गेंद का सामना करेंगे, गेंद का दौड़ना शुरू किया और इसे फिर से रूम बनाकर खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले का सही संगम नहीं हुआ। अच्छी दो गेंदें बिंदी गेंदें एक बार फिर सामना करेंगे राजू वॉटसन और एक फ्लाइटेड गेंद थी और ये चार रन निकल गई थे। और इसी के साथ स्कोर पहुंचा है 128 रन 127 लाल भाई की गेंद का सामना करेंगे राजू वॉटसन, फैंटास्टिक सिक्स और इसी के साथ स्कोर पहुंचा 133 रन 133 रन और जीतने के लिए 2 रनों की आवश्यकता। अब खाली फॉर्मेलिटीज बाकी रह गई है राजवी इलेवन टीम की ओर से। और फिर से उसको रूम बनाकर खेलना चाहते थे, बल्ले के ऊपर से सीधे विकेट कीपर के स्थानों में, बाकी का काम विकेट कीपर के पास से सीधे फील्डर के पास। एक बार फिर और ये गेंद दूर गई है 6 रनों के लिए और इसी के साथ राजवी इलेवन टीम ने इस ट्रॉफी के ऊपर हाथ लगा लिया है और वो विनर हो चुकी है राजवी इलेवन टीम। और जो कम स्कोर के हिसाब से वो फाइट नहीं दे सके लेकिन और राजवी इलेवन टीम ने मैच को इस मैच के ऊपर पकड़ जमा ली। मारू नहीं बस पर एडवोकेट पीडी राजन प्लीज यहाँ कमेंट बॉक्स के अंदर आ जाए, इनाम वितरण किया जाएगा। चलो ले ले जो दे अब बॉक्स भाई इलेवन टीम के जितने भी खिलाड़ी है यहाँ जो चेयर दी गई है वहाँ ले ले जाना अंदर कोई जो खाली पावर बैंक आड़ी
राजवी 11 टीम के कैप्टन को मुअत्तबाना गुजारिश है कि यहाँ चेयर लगाई हुई है, यहाँ स्थान ग्रहण करें प्लीज। अश्विन राणा मौली अविराज इस मैदान के ऊपर बताता चलूं कि दो मरतबा राजवी 11 टीम ने इस मैदान की खासियत से दो मरतबा फाइनल मैच का विनर पॉइंट किया है और हावी हुई है राजवी 11 टीम के लक के। तो ग्रामीण मैचों के अंदर हाँ बोलो जानते ना भी दे जो આજે ફાઇનલ મુકાબલો હતો ગુરુકૃપા 11 ટીમ અને રાજવીના વચમાં અને આના મોર પણ એક ફાઇનલ રમાણી હતી એના અંદર પણ એવું જ હતું કે ગુરુકૃપા અને રાજવીના અંદર આમાં તો જો જે ટીમ હારે છે એ ખરેખર હારેલી નથી ગણાતી એને એક બીજી વાત હું કહી દઉં કે એને રનર્સઅપની ટ્રોફી આપવામાં આવે છે તો એ વિનિંગ જ ગણાય છે કારણ કે એ સામેલી ટીમના સામે જીતેલી જ ગણાય છે એટલે એને ટ્રોફી આપવામાં આવે છે અને ક્રિકેટ એક એવો ખેલ છે કે એના અંદર એક પહેલું તો નક્કી જ છે કે હાર જીત તો થતી આવી છે બરાબર એટલે આપણે હવે આના અંદર ઘણો પ્રયાસ કરીએ કે ભાઈ આપણું હારનું કારણ શું છે એ આપણે પહેલે તો કાઢી લઈએ બરાબર અને બેસ્ટ ઓફ લક રાજવી 11 ટીમને જે આ ટ્રોફીના ઉપર કબજો કર્યો હવે હું શરૂઆત કરું છું આ પ્રોગ્રામના અંદર જે 12 દિવસના અંદર બહુ જબરજસ્ત સ્ટાર્ટ મળ્યું અને લોકોને તમામ લોકોને સાથ આપ્યો એ બદલ હું શુક્રિયા અદા કરું અને આપણા આજ અતિથિ મહેમાન હોનરેબલ બાપુ આજે આવ્યા છે ચીફ ગેસ્ટ બનીને અને એમના હાથથી ટ્રોફી આપવામાં આવશે તો હું પહેલાં એનાઉન્સ કરું છું કે જે રનર્સઅપના કેપ્ટન ભગાજી ઠાકોર એ આવી અને બાપુના હાથથી રનર્સઅપની ટ્રોફી સ્વીકાર કરે રનર્સઅપ ટ્રોફી હવે વારો આવે છે મેન ઓફ ધ મેચના અંદર જે ફાઇનલના અંદર પણ ગૌતમ મહારાજે સારી બેટિંગ કરી હતી તો મારા તરફથી મેન ઓફ ધ મેચ ગૌતમ મહારાજ બાપુના હાથથી આપવામાં આવશે બેસ્ટ રહેશે લાઈન લો
गौतम महाराज लास्ट मैच ना अंदर पण बे वखत मैन ऑफ द मैच बनी चुक्या छे गौतम महाराज बापुना हाथी आपवामां आवशे बापुना हाथी मैन ऑफ द मैच गौतम महाराज जेने सारू परफॉर्मेंस कर्यु अने आपनी टीम ना माटे 90 रन 90 रन बनाया થોડી મિસ્ટેક થઈ ગયું મિસ્ટેક થઈ ગઈ હતી થોડી મેન ઓફ ધ મેચ હવે વારો આવે છે કે જેને આ ટુર્નામેન્ટના અંદર લગભગ સૌથી વધારે રન પણ ગૌતમ મહારાજે જ માર્યા છે તો એ પણ બેસ્ટ બેટ્સમેન તરીકે જાહેર કરવામાં આવે છે અને એ બાપુના હાથથી પણ આપવામાં આવશે આગળની ટુર્નામેન્ટના અંદર પણ 82 રન બનાવ્યા હતા મહારાજ વેલ ડન કોંગ્રેચ્યુલેશન અવલાલભાઈ और राजवी 11 टीम के होनहार बॉलर जिन्होंने सभी टीम के खिलाड़ियों को बांध कर रखा था और अच्छी विकेटें चटकाई थी और हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया था ऐसे होनहार बॉलर का मैं नाम देता हूँ अश्विन राणा और बापू के हाथ से दी जाएगी और लास्ट टाइम के ऊपर पे फाइनल के अंदर भी बेस्ट बॉलर बने थे और अच्छा काम करते हुए अश्विन राणा और मैं और जो जितने भी आज 12 या 13 दिन के अंदर जो गेम चली है इसके अंदर अच्छा परफॉर्मेंस किया था एक मर्तबा 102 रन बनाए थे किशन प्रजापति ने और उनको बेट्स बैट्समैन के जरिए आवकार किया जाता है मैन ऑफ द मैच सीरीज के जरिए उनको आगाह किया जाता है और वो भी बापू के द्वारा और मैन ऑफ द मैच सीरीज किशन प्रजापति जिन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके अच्छे रन बनाए अब मैं जीत का इंतजार था मैं उनको दावत देता हूँ कि जिन्होंने इस ट्रॉफी के ऊपर पहले से हाथ लगा लिया था और उनका लक था वो ऐसे कैप्टन को मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि वो आकर अपने आके ट्रॉफी के ऊपर हाथ रखे मिस्टर विजुबा मिस्टर विजुबा वो भी बापू के हाथ से दी जाएगी वो भी बापू के हाथ से दी जाएगी ट्रॉफी के हकदार थे और विनिंग टीम के कैप्टन को मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि बापू के हाथों से 21,000 रुपये और इनायत करें बापू के हाथों से 21,000 रुपये विनिंग कैप्टन विजुबा जो अच्छा काम किया राजवी 11 टीम के और मैं ऐसे दावत देने जा रहा हूँ कैप्टन गुलाब को कि जो रनर सब के ऊपर आए थे तो उनको 11,000 रुपये गुलाब जी ठाकुर वो भी बापू के हाथों से दिए जाएंगे 11,000 तो पति की और मैं तमाम दर्शकों को
मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आपने आज 12:15 बज गया है लेकिन सबने मैच को देखा। और आगे बात बापू करेंगे और कुछ हिदायत देंगे। बापू बात हेलो आज ने आ टूर्नामेंट जोया पछे वो लागे छे के बरोबर जे आयोजन करू छे बरोबर छे। आज टीम वर्क छे ना ओ खतरनाक छे एम के खरेखर हूं जे स्पेशली आना माटे ज आयो तो मुंद्रा थी मां साजे 4 વાગે આવ્યો ને સવારે પાછો 5 વાગે જવું છે આના માટે પણ તમારું ટીમ વર્ક છે ને કાબિલેદાદ છે એમ કરીને પણ તમે હવે પછી જો સામનો અમારી ટીમનો કરશો ને એટલે તમને ખ્યાલ આવશે કે આ લોકોમાં આમૂલ પરિવર્તન છે જે રીતે કે તમે મને કે સોરી એક વખતે સચિન તેંડુલકરની હું તમને વાત કરું એટલે તમને બધાને લગભગ ખબર હશે એની અંદર અને તમે ટીમ વર્કથી જે કામ રિઝાઇન કર્યું શું નામ છે ઇમરાન ખાન ને આમ હવે તમને એમની 6.5 ફૂટની હાઇટ ઇમરાન ખાન તો એને કહે કે ભાઈ આ બસ આ 5 ફૂટ 4 ઇંચનો છોકરો શું કરવાનો છે એમ કરીને બરાબર છે દૂધ પીતો છોકરો આવી રીતે કોમેન્ટ કરે અને ઇમરાન ખાને કોમેન્ટમાં એવું કીધું હતું કે મને તો પીચ ઉપર લોહી પસંદ છે અને ખરેખર બીજી બોલિંગમાં એના બોલ માર્યો નાક ઉપર અને એ તેઓ અનફિટ થઈ ગયો સચિન તેંડુલકર પડી ગયા એ વખતે ત્યાં એમ અને સામે નવજોત સિંધુ 2 વાર કીધું આ તો એ બંદા ગયા સાલા એ કુછ નહીં કર પાએંગે કરકે અને બોલ વાગે છે અને પછી એ વખતે તો ફિઝિયોથેરાપીનું આવું બધું હતું ને એક સેરોડન હોય અને એક આઈસ બોક્સ ને એ બધું હતું એમ કરીને અને આપ્યું આઈસ બોક્સ ને પછી સેરોડન ને લગાવી દીધું પટ્ટી ને એને ફરી રમવાનું શરૂ કર્યું અને કઈક પહેલી મેચમાં સચિન તેંડુલકર રાખ્યા બીજામાં રાખ્યા 2 મેચની અંદર ટોટલ 10 રન બનાવ્યા હતા સચિન તેંડુલકરે મને ખોટું હોય તો કહેજો 10 રન બનાયા હતા ત્રીજીમાં ડ્રોપ અને ચોથીમાં આ ઇન્સિડેન્ટ બની આ કેસ જે બન્યો ચોથી મેચની અંદર બન્યો અને પછી સચિન તેંડુલકર અનફિટ ના પડી ગયો અને રાહુલ દ્રવિડ સોરી નવજોતસિંહ સિંધુ એ સામે હતા નવજોતસિંહ સિંધુ ગયા સ્ટ્રેચર આવી ગયું અને એને કીધું છોકરાને બહાર કાઢ લો આ નહીં રમે એમ કરીને અને સચિન તેંડુલકર કહે છે મેં ખેલેગા એમ કર એવું કહે છે ને એનામાં હોશ આવે છે અને પછી જે બોલરના માનો મારે છે અને ઇતિહાસ રચી દે છે સચિન તેંડુલકર તમારે કંઈ એમાં ગભરાવાની જરૂર નથી કે આ રહે છે એમ કરીને આજે મને કોઈએ કીધું કે 32 મેચ હતી ને 32 મેચમાં એટલે તમે સમજી લો કે તમે 30 કદમ તમે આગળ છો 31માં અને 32માં તમે એટલે ઘણું સારું છે આપણે આમને ધ્યાનમાં રાખવાનું છે બરાબર છે આ જે માનો કે છે અને ક્રિકેટ મેચમાં શું છે મોરલ આપણામાં માનો કે લાઈવ વસ્તુ નથી આ જાહેરમાં મારું ના કહેવું જોઈએ પણ જાહેરમાં કહું કદાચ તમને જો કંઈક મેળ પડી જાય તો એમ કે લઈ જે છે ને તમારામાં છે નહીં આપણી મેચમાં મેં જોયું એની અંદર કે તમે માનો કે બધા પોતપોતાની રીતે ભલું કરે છે અને આ લોકો તમે જુઓ એમાં ટીમ વર્ક છે એમ કે તમે રમો છો ટીમ પણ તમારામાં તાલમેલ નથી એમ કે એ તાલમેલની ખાસ જરૂર છે તમને માનો કે તમારામાં કોઈ કમી હોય અને કોઈ તમને કોઈ એમ કહી દે કે આ તમારામાં કમી છે તમે એના પર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે 100% બેસ્ટ કરી શકાય એવું છે તમને ઘણાને એવું લાગતું હશે કે ભાઈ આપણી તો પરિસ્થિતિ એવી છે ને આ તો અહીંયા ચીકણામાં રમી લીધું ને પછી આવું ક્યાં રમવા જવું છે એ રીતે નહીં આ આમાંથી મને કોઈ લાગે છે કોઈ તમે જોજો ગમે ત્યારે કોઈ છે ને આઈપીએલમાં હશે ગમે તો આમાંથી આમાંથી કોઈ ને કોઈ રમતો હશે આઈપીએલમાંથી બરાબર અત્યારે જે આઈપીએલમાં જે ખરીદદારી થઈ છે ને ગઈ વખતે કોઈકને કંઈક 9 લાખમાં ખરીદ્યો હતો એ 16 નંબરમાં આ વખતે 9 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો છે એને એટલે ટેલેન્ટ છે હવે એમ કહું છું કે હું પોલીસમાંથી આવ્યો છું બરાબર છે એમને તો સ્પેશિયલ કોટા તમારે તો હશે ને પાછું સ્પોર્ટ માટેનું એમ કરીને તો એ કોટામાંથી એ કોઈ જાય આપણા માટે ગર્વની વાત છે કે તમારે તો એમ ગર્વ થાય કે અમે તો આ લોકો જોડે હાર્યા છીએ આવા લોકો જોડે હારવું પણ એક ગર્વની વાત છે બરાબર 1974 અને 1979 ના 2 વર્લ્ડ કપ ની અંદર વેસ્ટ ઇન્ડિઝ વર્લ્ડ કપ જીતેલો ને મને હા 83માં આપણે જીત્યા ને ભાઈ 79માં વેસ્ટ ઇન્ડિઝ 74 અને 79માં વેસ્ટ ઇન્ડિઝ 83માં આપણો સામનો થયો ત્યાં આગળ
એના પછી આપણે વેસ્ટ ઇન્ડિઝના મેચ હરાવી, તમે ધ્યાનથી સાંભળજો હું તમારા માટે ખાસ છે, વેસ્ટ ઇન્ડિઝના આપણે જયારે મેચ હરાવીને એના પછી વેસ્ટ ઇન્ડિઝના ક્રિકેટ બોર્ડે તાબડતોડ ડિસિઝન લીધું ઇન્ડિયામાં રમવા જવું છે. આપણા પ્રધાનમંત્રીને લોકો એક જ ડિસિઝન શું ચાલે, અત્યારે તો વર્લ્ડમાં આપણું બીસીસીઆઈ, આપણું માનો કે જે બીસીસીઆઈ જે છે ને વર્લ્ડમાં પાવરફુલ છે, આજે આઈસીસીઆઈ ખાલી નામનું છે, આપણું બીસીસીઆઈ નક્કી કરી દે, અત્યારે આપણો માનો ચેરમેન છે સૌરભ ગાંગુલી એ નક્કી કરે કાલે આને હટાવી દેવો છે, એ હટી જાય ત્યાં આગળથી, એમાં કોઈ પેલું કરે નહીં. આજે પાકિસ્તાનના ક્રિકેટ બોર્ડની પત્તર ઠોકી નાખી છે, એ કેમ આપણા બીસીસીઆઈએ ઠોકાવડાવી છે જોડે રહી, ઓર્ડર બધા આઈસીસીઆઈ કરાવડાવે, પણ વિશ્વમાં સૌથી ધનાઢ્ય પાવરફુલ બોર્ડ આપણું છે એમ કરીને. તને પ્રધાનમંત્રીને એક લેટર લખ્યો કે ભાઈ અમારા તમારી જોડે રમવા આવવું છે, એમને કંઈક બે બે ટેસ્ટ અને ત્રણ વનડેની એની કંઈ ઓફર મૂકી એમ, અને આપણા તો ક્રિકેટમાં તો ખબર છે કે ભાઈ આવી વાંધો નહીં તૈયાર જ બેઠેલા હોઈએ, અને એ અહીં આવી અને એમને જોયું કે ભાઈ અત્યારે